अस्सलाम वालेकुम। आज हम मसाला मिर्ची फ्राई बनाएंगे, जिसके लिए हमने तकरीबन 15 मिर्चियाँ ले ली हैं। हमने ये वाली मिर्ची यूज़ की हैं, ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती। आपको अगर तीखी वाली पसंद है तो आप वो यूज़ करें। मिर्चियों को पहले अच्छी तरह से हमने वॉश कर लिया है और फिर इसे सुखा लेंगे। इसे सुखाना बहुत ज़रूरी है, वरना अगर ये ऑयल में जाएगी तो ऑयल उड़ सकता है। मिर्चियों को वॉश करके अच्छी तरह से हमने सुखा लिया है, हम इन्हें अभी कट कर लेंगे। इस तरह से हमें मिर्चियों को दो दो पीस में कट कर लेना है। मिर्चियों को हमने अच्छी तरह से कट किया है, आइए इन्हें फ्राई करते हैं। हमने एक कढ़ाई गर्म करने के लिए रखा है, जिसमें हम 2 टेबलस्पून के करीब तेल डाल देंगे। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें राई डाल देंगे 1/4 टीस्पून, यानी कि मस्टर्ड सीड्स। आधी मिनट के बाद हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे 1/4 टीस्पून। जब इस तरह से मस्टर्ड सीड्स का आवाज़ आना बंद हो जाएगा और ज़ीरे का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, हम इसमें मिर्चियाँ डाल देंगे। फ्लेम को लो रखना है, ज़्यादा हाई नहीं करना है, और मिर्चियों को इस तरह फिरा लेना है अच्छी तरह से। इस स्टेप को ध्यान से करें, फ्लेम को हाई ना करें, वरना ऐसे हो सकता है कि ऑयल आपके मुंह पर उड़ सकता है। इसीलिए लो फ्लेम पर इस तरह से इसको हल्के हल्के चलाएं। बस 1 मिनट चलाने के बाद इसे कवर कर दें तो ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी। फ्लेम को लो रखें। 2 मिनट तक हमने लो फ्लेम करके पकाया है मिर्चियों को। अच्छी तरह मिर्चियाँ पक गई हैं, हमें इन्हें 2 मिनट पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते ये पूरी तरह से नरम हो जाए। ये थोड़ी थोड़ी क्रंची रहेगी तो इसे खाने का मज़ा आएगा। एक बार अच्छी तरह चलाएंगे और कुछ मसाले डाल देंगे। 1 चुटकी हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे। फ्लेम को हमने हाई नहीं किया है, अच्छी तरह से चलाएंगे ताकि मसालों से मिर्चियाँ हमारी कोट हो जाएँ। मिर्चियाँ बहुत अच्छी तरह मसालों के साथ कोट हो गई हैं। इस तरह से हम इसे चलाते रहेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर 1 मिनट तक पकाएंगे, ताकि अच्छी तरह से मसालों का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लग रही है मिर्ची फ्राई। 1 मिनट मसालों को पकाने के बाद हम इसमें नींबू का रस डाल देंगे। आधे नींबू का रस डालना है हमें इसमें, नींबू के रस से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। नींबू डालने के बाद बस हम इसे इस तरह से आधे मिनट तक चलाएंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे। हमारी मिर्ची फ्राई बिल्कुल तैयार है। ये दाल और राइस के साथ बहुत अच्छी लगती है खाने में।